जय श्री राम दोस्तों, क्या आपको पता है कि कलयुग में भगवान हनुमान ही एक ऐसे देवता हैं जो आज भी इस प्रकृति के साथ हर पल विचरण करते रहते हैं। इसीलिए हनुमान जी को जागृत देवता भी कहा जाता है। दोस्तों, हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए हनुमान चालीसा से बढ़कर कोई भी अन्य सरल उपाय नहीं है। जो व्यक्ति रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करता है, वह जीवन भर किसी भी तरह के कष्ट से दूर रहता है। हनुमान चालीसा पढ़ने से उसको बहुत ही अनोखे फायदे मिलते हैं, जिनके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। अगर आप भी हनुमान चालीसा पढ़ते हैं या पढ़ना शुरू करना चाहते हैं, तो आपको इसके फायदे जरूर पता होने चाहिए। आज हम आपको इस वीडियो में प्रतिदिन 3, 5, 7, 8, 11, 100 और 108 बार हनुमान चालीसा पढ़ने से होने वाले फायदों के बारे में बताएंगे। इसके अलावा हनुमान चालीसा का पाठ कैसे किया जाता है और इसके क्या क्या नियम हैं, हनुमान चालीसा पाठ की विधि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी भी आपको इस वीडियो में दी जाएगी, जो आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करनी चाहिए। तो आइए दोस्तों, जय बजरंग बली, हनुमान जी का स्मरण करते हुए इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। और अगर आप हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं, तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हनुमान जय श्री राम जरूर लिखें। हनुमान चालीसा पढ़ने के फायदे। हनुमान चालीसा पढ़ने से इतने अद्भुत फायदे हो सकते हैं, आपको ये जानकर हैरानी होगी। जी हाँ, आज यहाँ बताए जाने वाले हनुमान चालीसा के विशेष फायदे आपको हैरान कर देंगे। 1. रोगों से छुटकारा। हनुमान चालीसा हनुमान जी को प्रसन्न करने का एक सबसे बेहतरीन और सरल पाठ है। ये जितना सरल है, इसके फायदे भी उतने ही अनोखे हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि जो व्यक्ति रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करता है, उसके समस्त रोग व्याधि दूर होने लगती है। असंख्य लोगों ने ऐसे अनुभव अपने जीवन में प्राप्त किए हैं। इस बात को स्वयं हनुमान चालीसा भी अपने दोहे के अंदर स्पष्ट करती है। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। यानी हनुमान चालीसा का पाठ करने से सभी रोग नष्ट हो जाते हैं एवं सभी पीड़ाएं दूर हो जाती हैं। जो व्यक्ति निरंतर हनुमान चालीसा का पाठ करता है। 2. भूत बाधा एवं प्रेत बाधा। हनुमान चालीसा पढ़ने से यह एक विशेष फायदा है कि यदि आपको किसी भी प्रकार का डर लगता है, रात को बुरे सपने आते हैं, किसी प्रकार की प्रेत बाधा भूत बाधा से पीड़ित हैं, तो रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करना इसके लिए बेहतरीन असरदार उपाय है। हनुमान चालीसा की एक पंक्ति में गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। 3. बुद्धि में कुशाग्रता। इस बात में कोई भी दोहराई नहीं है कि हनुमान चालीसा पाठ करने से बौद्धिक विकास यानी बुद्धि में तीव्रता एवं कुशलता आती है। जिन लोगों की बुद्धि कमजोर होती है या जो छात्र पढ़ने में कमजोर होते हैं, उनके लिए भी हनुमान चालीसा अत्यंत प्रभावी एवं चमत्कारी है। हनुमान चालीसा की शुरुआत ही असंख्य अनंत ज्ञान राशि के गुण निधान भगवान हनुमान जी के स्वरूप से होती है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस्तिहु लोक उजागर। 4. अभीष्ट की सिद्धि। हनुमान चालीसा के पाठ में एक विशेष चमत्कारी बात यह है कि यह आपकी मनोकामना को सिद्ध करने में किसी चमत्कार से कम नहीं है। हनुमान चालीसा में एक जगह पर लिखा है, और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। इसका अर्थ यही है कि जो भी व्यक्ति जिस भी मनोकामना से हनुमान चालीसा का पाठ करता है, वह शीघ्र ही अनंत मनोरथ की सिद्धि फल पाता है। 6. दुर्बुद्धि का क्षय। भगवान हनुमान साक्षात रुद्र के अवतार माने जाते हैं। इस बात में कोई भी संदेह नहीं है कि हनुमान जी ही साक्षात शंकर हैं। हनुमान जी ने अपनी मां अंजना को भी अपना दुर्लभ एकादश अवतार वाला शिव रूप दिखाया था। हनुमान जी की विशेषता ये है कि जो व्यक्ति हनुमान चालीसा का पाठ करता है, उसके अंदर यदि किसी भी प्रकार की दुर्बुद्धि यानी कुमति हो, तो उसका शीघ्र ही नाश हो जाता है।
यानी मन में गलत विचारों का नाश होना हनुमान चालीसा का एक विशेष लाभ है। हनुमान चालीसा सुनने के फायदे। हनुमान चालीसा पढ़ने से ही फायदे नहीं होते हैं, बल्कि यदि आप रोजाना हनुमान चालीसा की ऑडियो वीडियो सुनते भी हैं, तो इसके भी अनोखे चमत्कारिक फायदे हैं। हनुमान चालीसा सुनने से भी लगभग लगभग वे सभी फायदे होते हैं जो हनुमान चालीसा पढ़ने से होते हैं। हनुमान चालीसा सुनने के कुछ विशेष फायदे निम्नलिखित हैं। 1. मानसिक शांति। 2. एकाग्रता महसूस होना। 3. संगीत की प्राप्ति। 4. दुखों से छुटकारा। 3 बार हनुमान चालीसा पढ़ने के फायदे। यदि आप रोजाना नियम बनाकर 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, तो इसका विशेष फायदा यह है कि आपको 3 बार हनुमान चालीसा पढ़ने से तीनों प्रकार के आदि भौतिक, आदि दैविक एवं आध्यात्मिक फायदे मिलने लगते हैं। आदि भौतिक के अंतर्गत समस्त लौकिक सुख एवं मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, और आपको चमत्कारी फायदे देखने को मिलते हैं, और आध्यात्मिक में आत्मिक शांति प्राप्त होती है। 100 बार हनुमान चालीसा पढ़ने के जो फायदे हैं, वह तो आप जानकर ही हैरान हो जाएंगे, लेकिन 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना थोड़ा मुश्किल जरूर होता है। यदि कोई व्यक्ति संकल्प पूर्वक 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करता है, तो उसे अनंत कोटि पुण्यफल प्राप्त होता है। 108 बार हनुमान चालीसा पढ़ने के फायदे। 108 बार हनुमान चालीसा पढ़ना विशेष सिद्धियों के अंतर्गत आता है। सामान्य रूप से व्यक्ति स्वयं 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ कम करते हैं। यदि आप संकल्प लेकर करें, तो इसको समय के अनुसार 2-3 दिन में भी पूरा कर सकते हैं। 108 बार हनुमान चालीसा पढ़ने से मानव जीवन में दैवीय गुण आने लगते हैं। 64 कलाओं का आभास होने लगता है। समस्त सिद्धियां पूर्ण होती हैं। 11 बार हनुमान चालीसा पढ़ने के फायदे। सबसे सरल एवं सबसे कम और सबसे उत्तम हनुमान चालीसा का पाठ 11 बार माना जाता है। 11 बार हनुमान चालीसा पढ़ना ज्यादा कठिन भी नहीं है, और इसके फायदे भी बहुत अनोखे हैं। विशेष रूप से 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करने से आर्थिक उन्नति एवं पारिवारिक क्लेश से छुटकारा मिलता है। मानसिक व मनस्यता से भी 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ शीघ्र ही राहत दिलाता है। 8 और 5 बार हनुमान चालीसा पढ़ने के फायदे। 8 और 5 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना कोई विशेष संख्या वाला तो नहीं है, तथापि कुछ जगह अष्टवार हनुमत चालीसा पठेत ऐसा लिखा गया है। ऐसे में 8 बार हनुमान चालीसा पढ़ना इष्ट सिद्धि एवं मनोकामना पूर्ति को दर्शाता है। यदि आप रोजाना 8 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें, तो यह आपके लिए सोने में सुहागा हो सकता है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें और आपके अपने YouTube चैनल शुभ विचार को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।